हेलो फ्रेंड्स, मैं धनंजय पांडे सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के इस ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 के बायोलॉजी विषय में चैप्टर नंबर 2 जो है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। यह एक यूनिट है आपका जनन, और उस जनन का यह दूसरा वाला चैप्टर है। पहला चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं कि आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसके बाद हम लोग रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्टिव डिजीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो यह चैप्टर अभी एक वीडियो और लगेगा, इसमें समाप्त हो जाएगा यह चैप्टर। तो अभी आप क्या है कि इसमें हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे कि जो फ्लावर है, फ्लावर से क्या बन, फ्लावर का जो मेल स्ट्रक्चर है सेक्सुअल स्ट्रक्चर, फिर फीमेल सेक्सुअल स्ट्रक्चर है, फिर दोनों का क्या हुआ है, आपका पॉलिनेशन हुआ है, यानी कि फ्यूजन हुआ। पॉलिनेशन के बाद परागकण पहुंचा स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद उसमें पॉलन ट्यूब बना, और वह पॉलन ट्यूब कहां पर एंट्री कर गया, ओव्यूल के अंदर एंट्री कर गया। ओव्यूल के अंदर एंट्री करने के बाद वहां पर मेल गैमेट, जो दो मेल गैमेट थे उसको छोड़ दिया। अब मेल गैमेट छोड़ने के बाद क्या हुआ कि हम लोग पिछले वीडियो में ही देखा था, जब पॉलन ट्यूब एंट्री किया और अपने मेल गैमेट को छोड़ दिया, तो एक मेल गैमेट क्या हुआ है आपका कि सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज किया, और सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करके बना लिया इंडो स्पर्म 3N। ठीक है, ये क्या है, प्राइमरी इंडो स्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में ही, यहाँ पर फ्यूज करके प्राइमरी इंडो स्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, जिसे हम बोलते थे PEN। और दूसरा वाला क्या किया न्यूक्लियस, यह एक सेल से फ्यूज कर लिया और बना लिया क्या, जाइगोट। तो दो बार फ्यूजन हुआ, इसलिए इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहे थे, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोले थे, डबल फर्टिलाइजेशन, द्वि निषेचन, हिंदी में क्या कहते हैं, द्वि निषेचन। अब देखिए, द्वि निषेचन की क्रिया हो गई, निषेचन हो गया, यानी कि जो मेल गैमेट था वो फीमेल के पास अल्टीमेटली एकदम उसके ओव्यूल में पहुंच गया। अब निषेचन के बाद डेवलपमेंट कैसे होगा, एक एक चीजों का डेवलपमेंट कैसे होगा, जो फ्लावर है उस फ्लावर में अब एक एक चीजों का डेवलपमेंट कैसे होगा, सीड कैसे बनेगा, फिर उसके बाद उससे सीड से क्या फ्रूट कैसे बनेगा, फ्लावर कैसे बनेगा, उससे आपका पूरा एक प्लांट कैसे बनेगा, इस प्रक्रिया को हमको डिटेल में पढ़ना है। ठीक, तो इस तरह में देखिए कि बना क्या था हमारा, पहले सेकेंडरी न्यूक्लियस जब फ्यूज किया था एक मेल गैमेट से, तो वहां पर प्राइमरी इंडो स्पर्म न्यूक्लियस बना था। ठीक, और दूसरा वाला जो मेल गैमेट फ्यूज किया था एक सेल से, वहां से जाइगोट बना था। प्रक्रिया को हम लोगों ने बोला था डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि दो बार फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो रही है। अब यह निषेचन, फर्टिलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं निषेचन। अब यह निषेचन जो हो गया, तो निषेचन होने के बाद कौन कौन सी क्रियाएं होंगी, निषेचन होने के बाद ओव्यूल्स में कौन कौन सी क्रियाएं होंगी, यही हमको पढ़ना है। तो हमको पढ़ना है, आज का टॉपिक जो है हमारा वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। हिंदी में आप कह सकते हैं कि निषेचन के बाद की घटनाएं, निषेचन के बाद की घटनाएं या निषेचन के बाद की क्रिया हिंदी में लिख लीजिएगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, निषेचन के बाद की घटनाएं, निषेचन के बाद क्या होता है। तो निषेचन जब हो गया तो इस पूरे ओव्यूल में क्या होगा, या देखिए सबसे पहले क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म का भ्रूणपोष का क्या होगा, विकास होगा। सबसे पहले भ्रूणपोष का विकास होगा, इंडोस्पर्म का विकास होगा। ठीक है, दूसरे कंडीशन में क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियो फ्रॉम डिप्लॉयड जाइगोट। ये जो डिप्लॉयड जाइगोट है, युग्मनज है, हिंदी में कहते हैं युग्मनज। ठीक है, तो ये जो डिप्लॉयड जाइगोट है 2N, हैप्लोइड का मतलब होता है यन, और डिप्लोइड लिखते हैं इसे 2N। ठीक है, तो 2N का मतलब कि दो गैमेट फ्यूज है, और यन का मतलब है, हैप्लोइड का मतलब है कि सिर्फ एक ही गैमेट है। ठीक, तो ये डिप्लॉयड 2N से बनेगा क्या, इम्ब्रियो बनेगा, भ्रूण बनेगा। ठीक,
तो द्विगुणित जाइगोट से द्विगुणित युग्मनज से इंद्रियों का विकास होगा। दूसरे चरण में द्विगुणित युग्मनज से भ्रूण का विकास होगा। तीसरे चरण में क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ सीड फ्रॉम ओव्यूल, डेवलपमेंट ऑफ सीड फ्रॉम ओव्यूल, बीजांड से बीज का निर्माण होगा, बीजांड से बीज का निर्माण होगा। चौथे चरण में क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट फ्रॉम ओवरी, अंडाशय से फल का विकास होगा। ठीक, तो सबसे पहले इंडोस्पर्म बनेगा, इंडोस्पर्म का विकास होगा, उसके बाद क्या होगा आपका जाइगोट से इम्ब्रियो बनेगा, फिर उसके बाद क्या होगा ओव्यूल से सीड बनेगा, फिर उसके बाद क्या होगा ओवरी से फ्रूट बनेगा, ये इतनी क्रियाएं होंगी। ठीक, हिंदी अंग्रेजी की समस्या होगी तो हिंदी अंग्रेजी भी हिंदी में हम बोलते जा रहे हैं, आप हम जो बोल रहे हैं वही लिख लीजिएगा। ठीक, तो ये प्रक्रियाएं होंगी। अब देखिए ये जो चारों प्रक्रियाएं जो शुरू होंगी, तो चारों प्रक्रियाएं जो शुरू होंगी तो कैसे शुरू होंगी इसको भी जान लीजिए। पहली चीज तो ये जान लीजिए कि जाइगोट से ही इम्ब्रियो भी बनता है और कॉटिलीडान भी बनता है, जाइगोट से ही। तो इसको हम लोग मिटाते हैं, नोट कर लीजिएगा एक एक, अब मिटाते हैं। देखिए जाइगोट जो है, जो डिप्लॉयड आपका जाइगोट है, अब इसी जाइगोट से ही ये जो डिप्लॉयड आपका जाइगोट है ना, टू यंग, यहाँ पर जो एक एक सेल से फ्यूज हुआ है, एक मेल गैमेट तो बना है, इसी डिप्लॉयड जाइगोट से ही इम्ब्रियो भी बनेगा, डिप्लॉयड जाइगोट से ही इम्ब्रियो तथा कॉटिलीडान, इम्ब्रियो तथा कॉटिलीडान बीजपत्र दोनों बनेंगे। ठीक है, सॉरी बनेंगे, तो जाइगोट से ही इम्ब्रियो भी बनेगा, कॉटिलीडान्स भी बनेगा, कॉटिलीडान्स भी बनेगा, इम्ब्रियो भी बनेगा। तो भैया इंडोस्पर्म क्या करेगा, ये इंडोस्पर्म क्या करेगा, बात सोचने वाली बात है। इसका क्या काम है इस ओव्यूल में, इस इंडोस्पर्म का क्या काम है। ठीक, तो देखिए होता क्या है, जो जाइगोट होता है, जाइगोट की ग्रोथ डेवलपमेंट, इस जाइगोट का ग्रोथ जो है बहुत स्लो होता है, याद रखिएगा, जो बोल रहे हैं लिख भी लीजिएगा। इस जाइगोट का ग्रोथ क्या होता है, स्लो होता है, जबकि इंडोस्पर्म की ग्रोथ बहुत तेज होती है, इंडोस्पर्म की ग्रोथ बहुत तेज होती है, बहुत रैपिडली डिवाइड करता है, डिवाइड करके अपनी संख्या में वृद्धि करता है। दूसरी बात, जाइगोट की ग्रोथ क्यों स्लो होती है, क्योंकि जाइगोट को डिवाइड करने के लिए फूड की आवश्यकता होगी, भाई भोजन की तो आवश्यकता पड़ेगी ना काम करने के लिए, तो जाइगोट को डिवाइड करने के लिए फूड की आवश्यकता होती है। तो यह क्या होता है, इसके पास कोई फूड मटेरियल नहीं है, इसलिए यह क्या होता है, रैपिडली डिवाइड नहीं कर पाता, यह बहुत तेजी से डिवाइड करता है इंडोस्पर्म। जब इंडोस्पर्म डिवाइड कर जाता है कंप्लीटली, तो जाइगोट क्या करता है, इस इंडोस्पर्म के डिवीजन के फल स्वरूप बने भोज पदार्थ को ग्रहण करता है। ठीक है, चूंकि जो इंडोस्पर्म होता है, इंडोस्पर्म का विभाजन जो होता है, जब यह इंडोस्पर्म अपनी संख्या में वृद्धि करता है, तो इंडोस्पर्म के विभाजन के फल स्वरूप बनता क्या है आपका, इंडोस्पर्म, इसको भी नोट कर लीजिएगा, इंडोस्पर्म बहुत तेजी से, बहुत तेजी से विभाजित होकर, विभाजित होकर, इंडोस्पर्म बहुत तेजी से विभाजित होकर भोजन से भरे हुए, भोजन से भरे हुए टिश्यू यानी ऊतक
हिंदी में लिख दे रहे हैं, उत्तक का निर्माण करता है। ठीक है, तो देखिए होगा क्या कि अब जो है ये जाइगोट बहुत धीरे डिवाइड करेगा, इंडोस्पर वो बहुत तेजी से डिवाइड करता है। ये बहुत तेजी से डिवाइड जब कर लेगा पूरा, तो यह जाइगोट क्या करता है, जाइगोट क्यों स्लो डिवाइड करता है, क्योंकि इसको डिवाइड करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए विभाजित नहीं कर पाता है, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं से फूड मटेरियल तो चाहिए ना। तो अब क्या होगा कि जब इंडोस्पर्म कंप्लीटली डिवाइड होगा, तो इंडोस्पर्म कंप्लीटली डिवाइड होकर के क्या बनाता है, भोजन से भरे हुए उत्तक का निर्माण करता हुआ। लिखे हैं भोजन से भरे हुए उत्तक का निर्माण करता हुआ। उन उत्तकों को क्या करता है, यह जाइगोट इस्तेमाल करता है। जाइगोट उन उत्तकों को इस्तेमाल करता है अपने विभाजन के लिए। ठीक है, तो जाइगोट इनका इस्तेमाल करता है, इनके इनसे बने हुए भोजन से बने हुए उत्तकों को जाइगोट इस्तेमाल करता है अपने विभाजन के लिए, और तब यह अपने विभाजित होना शुरू होता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि कंडीशन ऐसी होती है, कभी कभी क्या मतलब मैक्सिमम प्लांट्स में अगर देखा जाए, मैक्सिमम केसेस में अगर देखा जाए, तो होता क्या है कि जितना भी यह इंडो स्पर्म डिवाइड हुआ है, यह इंडो स्पर्म पूरा डिवाइड हो करके जो भोजन से भरा हुआ उत्तक बनाया है, उन सारे उत्तकों को यह जाइगोट अपने डिवीजन के लिए क्या करता है, यूटिलाइज कर लेता है। यानी सब उत्तकों को क्या करता है, उनसे भोजन ले करके उनको इंडोस्पर्म को टोटली फिनिश कर देता है। यह मैक्सिमम केसेज में होता है, परंतु कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जाइगोट कंप्लीटली यूटिलाइजेशन नहीं कर पाता है इंडोस्पर्म से बने हुए उत्तक का। इंडोस्पर्म से बने हुए उत्तक का कभी कभी यह जाइगोट कंप्लीटली यूटिलाइजेशन नहीं कर पाता है, तो क्या होता है कि कुछ ना कुछ इंडोस्पर्म बचा ही रह जाता है। और जब कुछ ना कुछ इंडोस्पर्म बचा रह जाएगा, तो ऐसे इंडोस्पर्म को हम लोग कहते हैं इंडोस्पर्मिक सीड। क्या कहते हैं, इंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। ठीक है, जिसमें इंडोस्पर्म बचा हुआ है, जो बोल रहे हैं लिखते जाइएगा आप लोग। ठीक, तो हमेशा क्या होता है कि जाइगोट इंडोस्पर्म से बने हुए भोजन से भरे हुए उत्तक का संपूर्ण यूटिलाइजेशन कर लेता है, इंडोस्पर्म फिनिश हो जाता है यूवियल से। परंतु कभी कभी क्या होता है कि मोनोकॉट में यह मैक्सिमम होता है, मोनोकॉट्स में एक बीजपत्री में, कि यह जाइगोट क्या होता है यूटिलाइजेशन नहीं कर पाता है कुछ इंडोस्पर्म का, तो वह इंडोस्पर्म इसमें बचे ही रह जाते हैं, उनको क्या कहते हैं हम लोग, इंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। और यह पाया जाता है किसमें, मोनोकॉट में पाया जाता है, यह मोनोकॉट में पाया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो गेहूं का बीज जो है, तो उसमें ऊपर क्या होता है, हस्क होता है, ऊपर जो होता है उसको भूसी कह लीजिए, रस्क हस्क कह लीजिए, तो ऊपर भूसी होता है। ठीक, दो कार्टिलेजांस बीच में से तोड़ेंगे तो दो कार्टिलेजांस में दोनों टूट जाएंगे। अब जो उसको पिसाने के बाद भूसी अलग निकल जाता है, ठीक, तो ब्रान जिसे कहते हैं, ब्रान अलग निकल जाता है, तो पिसाने के बाद जो पाउडरी सफेद सफेद सबस्टेंस होता है, वो संपूर्ण क्या होता है आपका, वह इंडोस्पर्म ही तो होता है, वह इंडोस्पर्म होता है जो हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब ये क्या है कि फर्टिलाइजेशन के बाद, तो ये जाइगोट जो है, इसका मतलब हमारे कहने का तात्पर्य क्या था समझ लीजिए, कि जाइगोट बाद में डिवाइड करना शुरू करेगा, सबसे पहले डिवीजन किसका शुरू हो जाएगा, इंडोस्पर्म का। तो अभी जो हम लोगों ने देखा था पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हो क्या रहा था, तो सबसे पहले पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हो रहा था इंडोस्पर्म का ही विकास। इसीलिए हम लोग कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में, यानी कि निषेचन के बाद होने वाली घटनाओं में सबसे पहले पढ़ते हैं इंडोस्पर्म का विकास। तो पहला हेडिंग ही है हमारा, इसको मिटा देते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इसको मिटा देते हैं हम। ठीक, इस फिगर को भी मिटा देते हैं, बना लिए होंगे आप लोग।
नीचे की लाइन भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर जैसे बोले हैं ऐसे वीडियो को आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा। तो ये चीज हो गया है आपका। अब हम लोग जो पहला स्टेप है डेवलपमेंट ऑफ इंडो स्पर्म पढ़ेंगे, यानी इंडो स्पर्म का विकास पढ़ेंगे, पहला है। डेवलपमेंट ऑफ इंडो स्पर्म, इंडो स्पर्म का विकास। तो इंडो स्पर्म का विकास कैसे होता है, तो हमने बता दिया है आपको कि इंडो स्पर्म जो है यह होता क्या है, बहुत तेजी से रैपिडली डिवाइड करता है, माइटोटिक डिवीजन होता है इसमें। कैसा? माइटोटिक डिवीजन होता है इंडो स्पर्म में, और माइटोटिक डिवीजन के फल स्वरूप विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं, बहुत तेजी से डिवीजन यह करता है। ठीक, तो यह डिवीजन जब करेगा तो इसमें डिवीजन जो है हर प्लांट में एक ही तरह का डिवीजन नहीं होता है, थोड़ा अलग अलग होता है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो जो डेवलपमेंट हो रहा है वह तीन तरीके से हो सकता है। कितने तरीके से? तीन तरीके से डेवलपमेंट हो सकता है इम्ब्रियो का। कौन कौन सा डेवलपमेंट हो सकता है? ठीक, कौन कौन से तरीके से डेवलपमेंट हो सकता है? तो अभी जो आप लोग देखे थे कि ये आपका ओव्यूल था, इस ओव्यूल में जो है यहाँ पर आपके एंटीपोडल सेल थे, यहाँ पर आपका इंडो स्पर्म 3N था, और यहाँ पर आपका जाइगोट था, यहाँ पर आपका जाइगोट था 2N, और ये इंडो स्पर्म क्या है 3N। ठीक है, अब इंडो स्पर्म 3N जो है इसको हम लोग क्या बोलते थे, PEN। अभी तो शुरू में PEN ही है ना, प्राइमरी इंडो स्पर्म न्यूक्लियस ही है ना, या शुरू में आपको पता है डबल फर्टिलाइजेशन में, डबल फर्टिलाइजेशन अभी होता है तो इसको क्या कहते हैं, प्राइमरी इंडो स्पर्म न्यूक्लियस। तो डिवीजन जब शुरू होगा, इंडो स्पर्म का बनना पूरा शुरू होगा, तो सबसे पहला जो सेल होगा वह होगा प्राइमरी इंडो स्पर्म न्यूक्लियस ही होगा। क्या होगा? प्राइमरी इंडो स्पर्म न्यूक्लियस ही होगा, यही डिवाइड करेगा माइटोटिकली, और यही बनाएगा क्या है आपका, भोजन से भरे हुए ऊतकों का निर्माण करेगा। परंतु यह माइटोटिकली डिवाइड तो करता है, लेकिन एक ही तरीके से हर जगह नहीं करता है, थोड़ा सा अलग अलग तरीके से करता है। तो इस आधार पर जो इंडो स्पर्म का डेवलपमेंट है, तो वहां पर हम तीन तरीके का इंडो स्पर्म देखते हैं। कौन कौन से तीन तरीके का इंडो स्पर्म है आपका? पहला इंडो स्पर्म है न्यूक्लियर इंडो स्पर्म, पहला है न्यूक्लियर इंडो स्पर्म, दूसरा है सेलुलर इंडो स्पर्म, सेलुलर इंडो स्पर्म, और तीसरा जो टाइप है इसको मिटा देते हैं, और तीसरा जो टाइप है हिलोबियल इंडो स्पर्म। ये तीन तरीके के इंडो स्पर्म है आपके, न्यूक्लियर इंडो स्पर्म, सेलुलर इंडो स्पर्म और हेलोबियल इंडो स्पर्म। ठीक है, तीन तरीके के इंडो स्पर्म है, क्या है, कैसे हैं, समझ लेते हैं। ठीक, शॉर्ट में समझ लीजिए, डिटेल में हम लोग एक एक को देखेंगे। तो जो न्यूक्लियर इंडो स्पर्म है, ये आपका न्यूक्लियर जो इंडो स्पर्म है, तो नाम से स्पष्ट है न्यूक्लियस से संबंधित है। सेलुलर है तो सेलुलर क्या है, सेल से संबंधित है, और हेलोबियल इंटरमीडिएट टाइप का होता है। ठीक, तो होगा क्या इसमें देख लीजिए, न्यूक्लियर इंडो स्पर्म में जो होता है यह सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन होता है। क्या होता है? न्यूक्लियर डिवीजन, प्री न्यूक्लियर डिवीजन,
कक्षा 11 में जब आप लोग पढ़े होंगे कि सेल डिवीजन, ठीक है, कोशिका का विभाजन, तो वहां आपको पढ़ाया गया होगा माइटोसिस और मियोसिस। और उस माइटोसिस मियोसिस में दो चीजें बताई गई होंगी आप लोगों को, एक बताया गया होगा कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस बताया गया होगा, और दूसरा बताया गया होगा साइटोकाइनेसिस, ठीक है, साइटोकाइनेसिस, ये दो चीजें बताई होंगी, बताई गई होंगी। तो कैरियोकाइनेसिस क्या है? कैरियोकाइनेसिस है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, वनली न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, और एक के बाद एक से दो न्यूक्लियस, तीन न्यूक्लियस, चार न्यूक्लियस, पांच न्यूक्लियस, ऐसे मतलब कि न्यूक्लियस ही, मतलब एक दो तीन ऐसे नहीं होते हैं, दो चार आठ, ठीक है, सोलह ऐसे बनते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ अगर विभाजन के बाद, इतना याद रख लीजिएगा, अगर कोशिकीय विभाजन के बाद सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस केंद्रक का ही निर्माण होता है, किसी कोशिका का निर्माण नहीं होता है, तो ऐसे विभाजन को क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है, तो या केंद्रकीय विभाजन हिंदी में कहते हैं। अब साइटोकाइनेसिस क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस हो जाने के बाद साइटोकाइनेसिस होता है, यानी कि कोशिका का भी विभाजन होता है। तो इसमें क्या होता है, जब न्यूक्लियर डिवीजन के साथ साथ, यानी कैरियोकाइनेसिस के साथ साथ कोशिका भी विभाजित करे, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? साइटोकाइनेसिस। जैसे समझ लीजिए थोड़ा सा, एक मान लीजिए कि यह आदर्श रूप में ये एक कोशिका है, ठीक है, और इसमें पाया जाने वाला एक न्यूक्लियस है। अगर इसमें सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगा तो एक डिवाइड करके बना लेगा क्या? दो न्यूक्लियस बना लेगा, या दो न्यूक्लियस बना लेगा, पूरा आपका साइटोप्लाज्म यही है, साइटोप्लाज्म आपका यही है, यह साइटोप्लाज्म जैसे है वैसे ही रहेगा, सिर्फ न्यूक्लियस क्या हो जाएगा इसमें? इसकी संख्या दो हो जाएगी, न्यूक्लियस की संख्या दो हो जाएगी, और बाकी का साइटोप्लाज्म सब वही रहेगा, भरा रहेगा, ये डिवीजन नहीं होगा, इसी में दोनों घूमेंगे इधर से उधर। अगर मान लीजिए कि एक विभाजन और हो गया तो इसी में दो से बन जाएंगे, चार बन जाएंगे, और इसी में यह भी ऐसे ही रहेंगे। लेकिन अगर एक साइटोकाइनोसिस, एक कैरियोकाइनेसिस के बाद अगर साइटोकाइनेसिस होता है, तो दो न्यूक्लियस जो बने तो दोनों क्या होंगे? अलग अलग कोशिका का निर्माण कर लेंगे, ठीक, या न्यूक्लियस इस कोशिका में अलग, या न्यूक्लियस इस कोशिका में अलग, ठीक है, इस तरीके का। ठीक उसी तरीके से जैसे एक परिवार है, परिवार में दो भाई हैं, दो भाई हैं, दोनों भाई की मान लीजिए कि अगर शादी हो जाती है, तो शादी होने के बाद क्या होता है कि अगर दोनों भाई अपने बीवी के साथ एक ही मतलब घर में रह रहे हैं, एक ही घर में रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, तो क्या हुआ समझ लीजिए कि वह न्यूक्लियर डिवीजन है खाली, यानी कि भाई दोनों हैं, थोड़ा सा अलग अलग हुए हैं, अपनी बीवी के साथ रह रहे हैं, ठीक, लेकिन घर क्या है? वही है। अब क्या हो कि दोनों की शादी होने के बाद दोनों अलग अलग रहना शुरू कर दे, नहीं हम अलग घर में रहेंगे, हम तुम अलग घर, हम अपना खाना बनाएंगे, तुम अपना खाना बनाओ, हम अपना सामान लाएंगे, तुम अपना सामान लाओ, ठीक, दोनों अलग अलग। तो इस तरह से दोनों न्यूक्लियस अगर अलग अलग हो जाएंगे तो इनका कोशिका द्रव्य भी अलग अलग हो जाएगा, सेल ही अलग अलग हो जाएंगे। अगर इसमें दूसरा डिवीजन होगा तो दूसरे डिवीजन होगा, दो डिवीजन होगा तो यहाँ पर भी विभाजन हो जाएगा, यह भी अपना अलग हो जाएगा, यह भी अपना अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स यानी क्षैतिज और ऊर्ध्व दोनों विभाजन होता है इसमें, ठीक, तो विभाजन होगा, इसी को कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस कहते हैं। समझ में आ गया होगा यह? तो यहाँ पर होता क्या है कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डिवीजन में सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करता है, ठीक, और भाग बहुत अधिक संख्या में न्यूक्लियस का निर्माण कर लेता है। सेलुलर एंडोस्पर्म में न्यूक्लियस डिवीजन तो होगा, लेकिन न्यूक्लियर डिवीजन के साथ साथ आपका कैरियोकाइनेसिस मतलब होगा, कैरियोकाइनेसिस के साथ साथ आपका साइटोकाइनेसिस भी होगा। क्या है बता दिया हमने? हेलोबियल कुछ नहीं है, बस इंटरमीडिएट है, इसमें इसमें कि न्यूक्लियर डिवीजन भी होगा और क्या है आपका सेलुलर डिवीजन भी होगा, यानी कैरियोकाइनेसिस भी होगा, साइटोकाइनेसिस में भी होगा, यानी कि दोनों का क्या होगा, एक मध्यम मध्यम प्रकार का डिवीजन इसमें पाया जाता है। तो ये जो है अक्सर मोनोकॉट्स में पाया गया है। अब हम लोग डिटेल में देखते हैं एक एक को।
हेडिंग डाल दिए हैं, इतना लिख दिए, मिटा लीजिएगा। अब पहला है आपका इसमें न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पहला है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, इसको देखते हैं इसमें क्या होता है। ठीक, तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में देख लीजिए कि आपका जो ओव्यूल है, ये आपका मान लीजिए ओव्यूल है, ठीक, और ये आपका चैलाजल इंड है, और ये आपका क्या है, माइक्रोपाइलर इंड है। माइक्रोपाइलर इंड से ही एंट्री कर रहा था, चैलाजल इंड है, माइक्रोपाइलर इंड है। यहाँ पर आपका पाया जा रहा है क्या, एग सेल, यहाँ पर पाया जा रहा है एग सेल, ये आपका क्या है, एग सेल है, ये एग सेल है, और बीच में क्या पाया जा रहा है, यहाँ पे आपका ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये क्या है आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, लिख लीजिएगा PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। अब ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है यही डिवाइड होगा, कैसे डिवाइड होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। तो यहाँ पर होगा क्या, न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन होगा। ठीक, माइटोसिस के बाद क्या बनते हैं, एक एक कोशिका से दो कोशिका बनते हैं, एक केंद्रक है तो दो केंद्रक बनते हैं, तो न्यूक्लियर डिवीजन होगा। तो यहाँ पर बनेगा क्या, एक से दो बनेगा, एक कोशिका से कितना बनेगा, दो, एक न्यूक्लियस था, अब एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन गए, दो एंडोस्पर्म। डिवाइड कौन हुआ है, पीएल हुआ है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हुआ है, एक से दो बन गए। अब ये क्या होगा, ये भी थोड़ी सी, ये दो बन गए तो थोड़ा सा इससे क्या करे, जैसे ही दो न्यूक्लियस बने तब इनसे क्या करेगा, ये थोड़ा सा भोजन बन गया, थोड़ा सा पोषण लेकर के यह क्या होगा, एक सेल भी क्या होगा, धीरे धीरे अब बढ़ना शुरू कर देगा, यह एक सेल भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देगा। अब एक से दो बने, दो से आपके और मैक्सिमम डिवीजन होगा, तो मैक्सिमम डिवीजन के बाद क्या होगा कि बहुत अधिक मात्रा में सेल बनेंगे, बहुत अधिक मात्रा में ये न्यूक्लियस, सॉरी सेल नहीं, न्यूक्लियस बनेंगे, ये बहुत अधिक मात्रा में बन जाएंगे, और बहुत अधिक मात्रा में बन जाएंगे तो यह भी क्या होगा, एक सेल भी आपका बढ़ने लगेगा, अपने आकार में बढ़ने लगेगा ये भी। तो देख लीजिए ये भी बढ़ गया है, ऊपर हॉट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है एक सेल। ठीक, ये न्यूक्लियस है आपका, न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। अब ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के बाद इसमें क्या होगा कि आपका सब इसके बाद और डिवीजन होगा। तो ये तो अभी सबसे पहले किनारे किनारे पर भरे हैं न्यूक्लियस, अब ये डिवाइड होकर बीच में भरना शुरू हो जाएंगे, अब ये क्या होंगे, बीच में भरना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर इसको थोड़ा सा और एनर्जी मिली, ये थोड़ा सा और बड़ा हुआ, अब ये क्या होंगे, न्यूक्लियस पूरा इस पूरे ओव्यूल को घेर लेंगे, इस पूरे ओव्यूल को घेर लेंगे। ठीक है, सब पूरे ओव्यूल को घेर लेंगे, यानी कि जो भी होगा इसमें सिर्फ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, न्यूक्लियस बन रहा है, किसी प्रकार के कोशिका का निर्माण नहीं हो रहा है। अब इसके बाद क्या होगा कि ये न्यूक्लियर डिवीजन हो जाने के बाद आपका क्या होगा कि जब न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, न्यूक्लियस बन गया, तो न्यूक्लियस के बन जाने के बाद क्या होगा कि सेलुलर डिवीजन जो होगा वह किनारे से शुरू होगा, सिर्फ न्यूक्लियस ही नहीं भरे रहेंगे इसमें, सेल इसको बनना है ना, क्योंकि इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, साइटोकाइनेसिस होती तो सारी कोशिकाएं अलग अलग हो जाती, एक एक न्यूक्लियस, मान लीजिए ये न्यूक्लियस अपना कोशिका लेकर अलग हो जाता है, ये न्यूक्लियस अलग हो जाता है, ये न्यूक्लियस अलग हो जाता है, ये न्यूक्लियस अलग हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं, अब यहाँ से किनारे से परिधि क्षेत्र से यहाँ किनारे से क्या होगा, साइटो का सेलुलर डिवीजन होगा, आपका सेलुलर डिवीजन होगा या फिर सेल फॉर्म, सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर सेल वॉल का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, सेलवाल का फॉर्मेशन होगा, और सेलवाल के फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, देख लीजिए
कि ये आपका, अब चूंकि यह जो एक सेल है यह इसको बहुत ज्यादा एनर्जी मिल चुकी है, यानी कि हमने बताया ना कि जैसे जैसे एंडोस्पर्म डिवाइड करेगा तो एंडोस्पर्म तेजी से डिवाइड करेगा और यह क्या बनाएगा, भोजन से भरा हुआ ऊतक, और इसी ऊतक को क्या करेगा, इस्तेमाल करके अपना डिवीजन शुरू करेगा, तो अपना जो ग्रोथ करेगा। तो अब ज्यादा बना लिया है तो यह भी क्या हो जाएंगे, यह भी फूल करके एकदम कुप्पा हो जाएंगे पूरा, ये बना लेंगे ऐसे हार्ट लाइक बड़ा सा स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हार्ट लाइक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेंगे, ये एग सेल, ये आपका जायगोट है, और यहां से जो न्यूक्लियस था तो ये न्यूक्लियस था, ऐसे ऐसे सेल का निर्माण होना शुरू हो जाएगा, बाहर से देख लीजिए ऐसे ऐसे सेल का निर्माण होना, किनारे से सेल का निर्माण शुरू हो जाएगा, तो इसमें नहीं यहां पर होगा, तो यहां पर किनारे से सेल का निर्माण शुरू हो जाएगा, और सेल वॉल का निर्माण शुरू होगा, सॉरी सेल नहीं सेल वॉल का निर्माण शुरू होगा, जो न्यूक्लियस को अपने अंदर समाहित कर लेगा, ठीक। ये सेल वॉल का निर्माण कहां से शुरू हुआ, परिधीय क्षेत्र से, किनारे से सेल वॉल का निर्माण शुरू हो गया, और इसी प्रकार से बाकी के जो न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ भी अब किनारे से शुरू हुआ है, अंदर की तरफ आता जाएगा, और संपूर्ण सेल वॉल का संपूर्ण क्या है कि यह एक प्रकार का जो सेल है पूरा डिवीजन इसका पूरा हो जाएगा, धीरे धीरे डिवीजन पूरा होने के बाद पोषण जो है ये क्या करेगा, आपका जायगोट ये इनसे क्या करेगा, लेगा डिवीजन, जायगोट इनसे पूरा पोषण लेगा और सबको पूरा पोषण ले करके डेवलपमेंट कर देगा, सीड का डेवलपमेंट कर देगा, कटिलीडान का डेवलपमेंट कर देगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपकी, इसी को क्या कहते हैं हम लोग न्यूक्लियर इंडो स्पर्म। एग्जाम्पल क्या है, कोकोनट में पाया जाता है, एग्जाम्पल किस में पाया जाता है, कोकोनट में पाया जाता है, ठीक है, कोकोनट यानी कि नारियल में पाया जाता है, भाई नारियल है ना, तो नारियल में बीच में देखेंगे कि जो आपका सफेद वाला भाग होता है, सफेद वाला भाग होता है वह टोटल क्या है आपका इंडो स्पर्म है, टोटल क्या है वह इंडो स्पर्म है आपका, ठीक है, वह नारियल। अब वही नारियल जो है कुछ दिन के लिए और रख दीजिए, पेड़ पर ही छोड़ दीजिए, यानी कि जो एक में तो पानी भरा रहता है, जो काट करके हम लोग पानी पीते हैं, गोला निकाल के गरी निकाल के खाते हैं, लेकिन एक होता है क्योंकि वो सूखा होता है, एकदम सूखा वाला नारियल होता है, ठीक, जिसको पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं, और एक हम लोग मंदिर में चढ़ाते हैं, उसमें भी क्या है कि आपका पानी भरा होता है। तो जो टोटल आपका ये गोल वाला जो पार्ट है वह इंडो स्पर्म है, जो गड़ी वाला पार्ट है वह टोटल क्या है इंडो स्पर्म है, बीच में जो पानी आपका भरा हुआ रहता है वह सेलुलर भाग होता है, ठीक है, वह आपका सेलुलर न्यूक्लियस वाला भाग होता है, वहां पे सेल का फॉर्मेशन जो है नहीं हो पाया रहता, जैसे किनारे से सेल का फॉर्मेशन हो रहा था, बताया जाए न्यूक्लियस डिवाइड कर लिया पूरा, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड कर लेगा, उसके बाद सेलवाल का फॉर्मेशन होगा, सेलवाल का फॉर्मेशन कहां से होगा, किनारों से होगा, ऐसे किनारों से सेलवाल का फॉर्मेशन शुरू होगा, तो किनारे आ रहे हैं, मान लीजिए कि अब इसको पहले ही तोड़ लिए, तो जब पहले ही तोड़ लोगे तो क्या हुआ, ऊपर ऊपर सेलवाल बन गया है, यानी कि गली जो खाते सफेद वाला यहाँ ऊपर बन गया है, बीच में न्यूक्लियस में सेलवाल नहीं बन पाया है, तो यह क्या होगा पानी की तरह रहता है, यही पानी हम लोग क्या करते हैं पीते हैं, और इस गली को क्या करते हैं खाते हैं। अब कुछ दिन के लिए और रख दिए हम लोग उसी पेड़ पर, तो क्या होगा यह भी डिवाइड करके पूरा सेलवाल बना लेता है, जिसे गोला गरी कहते हैं हम लोग खाते हैं। अब कहोगे कि यहाँ सेलवाल बना लिया पूरा ठोस होना चाहिए, नहीं भैया, है क्या करने के लिए, एक सेल क्या करने के लिए है, इसका पोषण भी तो ले लेता है, इसका पोषण ले लेता है, इसलिए बीच में क्या होता है हलो होता है। तो कोकोनट में पाया जाता है न्यूक्लियर इंडो स्पर्म, ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है, इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए, हटते हैं हम यहाँ से, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा और फिगर को जैसे है ऐसे ही बना लीजिएगा आप लोग, ठीक, मिटाते हैं हम, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, फिगर को बना लीजिएगा, अब दूसरा वाला टाइप है इसमें, कौन सा दूसरा वाला टाइप है, सेलुलर इंडो स्पर्म, दूसरा है आपका सेलुलर इंडो स्पर्म। ये सेलुलर इंडो स्पर्म क्या होता है, इसमें साइटोकाइनेसिस के साथ साथ कैरियोकाइनेसिस के साथ साथ साइटोकाइनेसिस भी होता है, ठीक है। तो सेलुलर इंडो स्पर्म में क्या होता है, जो प्राइमरी इंडो
इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस में यहाँ पर भी माइटोटिक डिवीजन होगा। ठीक, देख लीजिए। तो पहले फ्लो चार्ट ऐसे समझ लीजिए कि जो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये PEN जो है, ये प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसमें क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट, इसमें फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा। जब फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा यानी सबसे पहले पहला जो माइटोटिक डिवीजन होगा, तो पहले माइटोटिक डिवीजन के बाद बनेंगे क्या, इसमें पहले माइटोटिक डिवीजन के बाद इसमें बन जाएंगे क्या, आपके सेल बनेंगे। लेकिन सेल जो बनेगा तो उसके साथ साथ होगा क्या, इस न्यूक्लियस, सॉरी सेल नहीं बनेगा, न्यूक्लियस बनेगा। तो इसमें जो न्यूक्लियस बनेगा, तो न्यूक्लियस के बनने के साथ साथ इसमें क्षैतिज या फिर ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज वाल का भी फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं आप कि फिगर के माध्यम से समझिए, काफी आसानी होगी इसको, कैसे भी लीजिए। तो फॉलोड, अब हिंदी में लिख देते हैं, चलिए प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, हिंदी में लिख देते हैं, पढ़ने में आपको आसानी होगी। काफी लोगों का कमेंट आता है कि मतलब हिंदी में सर ज्यादातर बताया करिए, तो हिंदी में बता दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो इसमें लिख लीजिएगा केंद्रक के बनने के साथ साथ, केंद्रक के बनने के साथ साथ क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर कोशिका पट्ट का निर्माण भी होता है। ठीक है, यानी कि एक माइटोसिस डिवीजन होगा तो दो न्यूक्लियस बनेंगे, दोनों न्यूक्लियस क्या होंगे, न्यूक्लियस बनेगा तो या तो आपका क्षैतिज या तो आपका ऊर्ध्वाधर, दोनों कंडीशन में सेल प्लेट का भी निर्माण होगा, कोशिका पट्ट का भी निर्माण हो जाएगा उसी के साथ साथ। सही सही, ठीक है। अब जो मान लीजिए कि न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है, तो इसमें देखिए न्यूक्लियर डिवीजन एक के बाद एक न्यूक्लियर डिवीजन होता जाएगा, उसमें क्षैतिज ऊर्ध्वाधर सेल प्लेट का निर्माण हो जाएगा। अब आगे क्या होगा कि सभी केंद्र की विभाजन हो जाने के बाद जब सारे केंद्रक एक विभाजित हो गए और सेल प्लेट बनता गया तो उसके बाद क्या होगा, सेल वाल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, हो जाने के बाद कोशिका भित्ति का निर्माण शुरू होता है, उसका भित्ति का निर्माण शुरू होता है और अंततः इंडोस्पर्म बन जाता है। ठीक है, अगली बात समझ में लिख लीजिएगा और इसको हम बताते हैं आप लोगों को क्या है, फिगर के माध्यम से आपको बताते हैं। ठीक, तो यहाँ पर प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा, डिवीजन होने के बाद दो केंद्रक बनेंगे, दोनों केंद्रक में या तो क्षैतिज या तो ऊर्ध्वाधर आपका लाइन बन जाएगा, यानी दोनों केंद्रक अलग अलग हो जाएंगे, मतलब कि कैरियोकाइनेसिस के साथ साथ साइटोकाइनेसिस भी होगा। अब सारे न्यूक्लियस डिवाइड हो गए, कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस के द्वारा दोनों अलग अलग कमरों में बैठ गए जाके, अब बैठने के बाद क्या होगा, सबको बीच बीच में दीवार चल जाएगा, यानी कि कोशिका भित्ति का निर्माण शुरू हो जाएगा, किनारे से शुरू होगा और लास्ट तक जाते जाते संपूर्ण कोशिका में भित्ति
बन जाएगी। कैसे बनेगी इसको नोट करिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या कॉपी में नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट करिएगा, फिर आगे हम बताते हैं। ठीक, तो हट जा रहे हैं, देख लीजिए सब दिख रहा है, पूरा दिख रहा है, नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद हम आगे इसको बताते हैं फिगर के माध्यम से। तो देखिए यहां पर क्या है आपका, ये देख लीजिए, ये आपका माइक्रोपाइल लिंड है, ये आपका चलाजल लिंड है, यहां पर आपका क्या पाया जाएगा, एक सेल पाया जाएगा, ये एक सेल है, ये आपका प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, क्या है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। अब इसमें क्या होगा आपका माइटोटिक डिवीजन होगा, कौन सा माइटोटिक डिवीजन, पहला वाला माइटोटिक डिवीजन होगा, पहले वाले माइटोटिक डिवीजन के बाद क्या बनेगा देख लीजिए, ये आपका प्यून, यहाँ पर आपका एक सेल, ये एक सेल है, अब ये डिवीजन करके कितना सेल बनाया, दो सेल बनाया, जो दोनों सॉरी सेल नहीं दो न्यूक्लियस बनाया, दोनों न्यूक्लियस के बीच में एक ट्रांसवर्स क्या हुआ वाल आ जाएगा, एक कोशिका पट्ट का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, निर्माण हो गया, फिर सेल डिवीजन होगा, रैपिडली सेल डिवीजन होगा, लिखे थे ना कि उसके बाद लगातार कोशिका का विभाजन शुरू होगा, तो लगातार कोशिका का विभाजन शुरू होने के बाद इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे विभाजन होगा वैसे आपसे ऊर्ध्वाधर या फिर क्षैतिज प्लेटों का निर्माण शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अब नेक्स्ट वाले में क्या है कि ये जो एक सेल है, एक सेल भी अपना ग्रोथ करते रहेगा, एक सेल ये भी ग्रोथ अपना करते रहेगा, जैसे जैसे बनेगा न्यूट्रिएंट्स लेकर ग्रोथ करते रहेगा, अब यहां से आपका सेल प्लेट, सारे सेल प्लेट बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए ये सब में एक एक न्यूक्लियस है, सेल प्लेट बन गए हैं, सब सब अलग अलग न्यूक्लियस सारे कमरों में जाकर के बैठ गए हैं, सारे कमरों में, और यहाँ पर ये अपना ग्रोथ कर रहा है, कौन सा जायगोट, ये जायगोट यहाँ पर ग्रोथ कर रहा है न्यूट्रिशन ले लेकर के इन लोगों से, और सेल प्लेट देखिए सेल प्लेट बनता जा रहा है, ऊर्ध्वाधर क्षैतिज सेल प्लेट बनता जा रहा है। अब होगा क्या, अब नेक्स्ट होगा कि किनारों से यानी कि यहाँ से किनारे से एक एक कोशिका का निर्माण शुरू होगा, सिलवाल का निर्माण शुरू होगा, अब सिलवाल का निर्माण शुरू होगा एक किनारे से, ये आपका जायगोट है, ये भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, कहा ये मानने वाला है। ठीक, तो ये जो है ये जायगोट है हार्ट के स्ट्रक्चर का, ये भी बढ़ना शुरू हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो आपका वाल था, ये पूरा वाल था, यहाँ पर आपका ये जो कोशिका थे, जब सब डिवीजन हो गया, संपूर्ण डिवीजन हो गया जब इसका, तो संपूर्ण डिवीजन होने के बाद बाहर से सेलवाल का निर्माण शुरू होगा, बाहर से सेलवाल का निर्माण शुरू होगा। ठीक है, ऐसे 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 इस प्रकार से सेलवाल का निर्माण शुरू हो जाएगा, बाहर से शुरू होगा, अब उसके बाद जा करके संपूर्ण कोशिका को ढक लेगा, तो लास्ट में जो स्ट्रक्चर मिलेगा हमको, लास्ट वाला स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का मिलता है, ये भी पूरा डेवलप हो गया है। ठीक, डेवलप हो गया है, ये भी आपका जायगोट भी, ये जायगोट है, जायगोट डेवलप हो गया है। ठीक, अब ये क्या होगा कि संपूर्ण ऐसे सेल जो सेलवाल बन रहा है धीरे 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 अंदर की तरफ आएगा, और सब डिवीजन तो हुआ ही है, सब में एक एक सेल में धीरे धीरे आपका सेलवाल बनता जाएगा, जब सेलवाल बन जाएगा तो होगा क्या कि यह संपूर्ण सेल को ऐसे ढक लेगा, कवर कर लेगा संपूर्ण सेल में, संपूर्ण सेल को ऐसे ढक लेगा, यानी कि ये ठोस, पूरा ठोस आपको मिलेगा स्ट्रक्चर, इसमें जो स्ट्रक्चर मिलेगा एकदम ठोस मिलेगा आपको। ठीक, ऐसा ठोस स्ट्रक्चर मिलेगा, यानी जो भी कार्टिलेडांस होगा एकदम महीन होंगे,
जो आपको दिखाई तक नहीं देते हैं, एकदम महीन होंगे, ठीक, सेल आपको दिखाई तक नहीं देंगे, सिर्फ आपको ये दिखेगा जायगोट, ठीक है। तो इस तरह से ये निर्माण हो जाता है इनका। पाया किसमें जाता है आपका, धतूरा, किसमें है, धतूरा लिखते हैं, धतूरा लिखते हैं, ठीक, तो डी एच ए धतूरा। उसमें देखिए कि पूरा जो होता है कवर होता है, यानी ठोस इंडोस्पर्म होता है, इंडोस्पर्म है, पूरा ठोस इंडोस्पर्म है, धतूरा में पाया जाता है, और भी चीजों में पाया जाता है। एक एग्जांपल याद रखिए आपके लिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर फिगर जैसे भी होगा बना लीजिए, हटते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। मिटा देते हैं इसको। अब हमारा तीसरा वाला टाइप है, तीसरे वाले टाइप का नाम है आपका हेलोबियल इंडोस्पर्म। क्या है, हेलोबियल इंडोस्पर्म। तीसरा है आपका हेलोबियल इंडोस्पर्म। ये हेलोबियल इंडोस्पर्म क्या होता है, आपको बताए थे हेलोबियल इंडोस्पर्म मोनोकाट में मैक्सिमम पाया जाता है, और ये क्या होता है, सिर्फ मोनोकाट के कुछ ही पौधों में पाया जाता, सभी मोनोकाट में नहीं पाया जाता, बहुत रेयरली है ये, ठीक। तो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है, देख लीजिए ये जो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है आपका, यहाँ पर ये प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, क्या है, PEN है, और यहाँ पर क्या है आपका, ये जायगोट है। प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस में जब डिवीजन होगा, जब पहला वाला डिवीजन होगा, तो डिवीजन से पहले होगा क्या कि ये प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस थोड़ा सा चैलेंजर एंड के तरफ, ये माइक्रोपाइल, सॉरी फिर आते हैं, ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये चैलेंजर एंड है, होगा क्या, ये चैलेंजर एंड की तरफ थोड़ा सा खिसक जाता है प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और चैलेंजर एंड पे जा करके वहां डिवाइड करता है, चैलेंजर एंड पे जा करके डिवाइड करता है। जब यहां जाकर के डिवाइड करेगा, तो डिवाइडेशन होने के बाद पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा, तो न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद यहां पर देख लीजिए, यहां पर आपका क्या है, यहां पर आपका ये माइक्रोपाइलर इंड है, चैलेंजर इंड है, ये आपका जायगोट है, ठीक है, और यहां पर जाके चैलेंजर इंड पे जाकर के डिवाइड कर रहा है, डिवाइड करके एक सेल बना लिया, और यहां पर एक सेल बना लिया, एक सेल यहां पर बना लिया। होता क्या है कि जो चैलेंजर वाला जो साइड होता है, चैलेंजर वाला साइड ये स्मॉल सेल होता है, यानी कि कैसा होता है, छोटा होता है, ये छोटा होता है, स्मॉल होता है, स्मॉल सेल होता है, और ये वाला जो होता है ये लार्ज होता है, कैसा होता है, बड़ा वाला होता है। इसमें डिवीजन बहुत स्लो होता है या ना के बराबर होता है, स्मॉल वाले में डिवीजन बहुत स्लो होता है या ना के बराबर होता है, डिवीजन रैपिडली होता है लार्ज सेल, इसमें क्या, ये तेजी से डिवाइड करेगा, ये डिवाइड नहीं करता है, ठीक है। होगा क्या, यहाँ पर फिर लास्ट में देखिएगा, यहाँ पर एक से दो डिवीजन होगा, यानी कि चैलेंजर वाला जो साइड है, ये वाला चैलेंजर साइड, ये माइक्रोपाइलर साइड, यहाँ पर आपका एक सेल, ये जायगोट है, सॉरी ये जायगोट है, जायगोट है, और यहाँ पर जायगोट है, और इसमें क्या होगा, एक से दो एक बार डिवीजन हो गया, हो गया। अब इसमें क्या है आपका, लगातार डिवीजन होता है, इसमें लगातार डिवीजन होता है, और डिवीजन होने के बाद क्या होगा, फिर सेल प्लेट का निर्माण होगा, यानी कि कोशिका भित्ति की निर्माण होगी, कोशिका भित्ति का निर्माण क्या होगा, फिर न्यूक्लियर डिवीजन जब कंप्लीट हो जाएगा, कोशिका भित्ति का निर्माण होगा, और इसी प्रकार से धीरे धीरे कोशिका भित्ति का निर्माण होते होते इधर संपूर्ण कोशिका को क्या कर लेता है, ढक लेता है, इंडोस्पर्म का निर्माण हो जाता है, ठीक है, यानी न्यूक्लियर इंडोस्पर्म बन जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये न्यूक्लियर इंडोस्पर्म बन रहा है, देखिए यहाँ पर आपका न्यूक्लियर इंडोस्पर्म बन रहा है, ये न्यूक्लियर पार्ट है, ये न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक तो डिवीजन हुआ ही नहीं है, एक से दो बार न्यूक्लियस डिवाइड कर गया, और यहाँ पर देख रहे हैं कि न्यूक्लियस बना, और न्यूक्लियस बनने के साथ साथ क्या हुआ, सेलुलर डिवीजन भी हुआ, तो ये क्या हुआ, सेलुलर डिवीजन का पार्ट, न्यूक्लियर डिवीजन का पार्ट, इसीलिए हम बनाता क्या है, सेलुलर इंडोस्पर्म भी बनाएगा, न्यूक्लियर इंडोस्पर्म भी बनाएगा, इसीलिए इसको कहते हैं इंटरमीडिएट टाइप का इंडोस्पर्म। ये कैसा होता है, हेलोबियल या मध्यम, यह क्या होता है,
मध्यम प्रकार का इंडोस्पर्म है, मध्यम प्रकार का इंडोस्पर्म है, यानी कि यह जो है इसमें न्यूक्लियर डिवीजन भी होगा, सेलुलर डिवीजन भी होगा, न्यूक्लियर इंडोस्पर्म भी पाया जाएगा, सेलुलर इंडोस्पर्म भी पाया जाएगा, दोनों तरह का इंडोस्पर्म पाया जाता है। और सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन किसमें है, मोनोकॉट में, इसमें है मोनोकॉट में पाया जाता है, एक बीज पत्रियों में यह पाया जाता है। ठीक है, ठीक, तो आप समझ गए प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियर सबसे पहले मूव करेगा किसके तरफ, चैलेंजर साइड में मूव करेगा। चैलेंजर साइड में मूव करने के बाद क्या होगा, डिवीजन होगा, डिवीजन होने के बाद क्या बनेगा आपका, इस चैलेंजर न्यूक्लियस बनेगा और उसके बाद नीचे बीच में एक लार्ज न्यूक्लियस, चैलेंजर न्यूक्लियस छोटा होता है जो कि या तो डिवीजन इसमें नहीं होता है या फिर डिवीजन जो होता है बहुत स्लो होता है। तो एक बार डिवीजन करके दो न्यूक्लियस बना लिया, ए लार्ज वहां से डिवाइड करता है, आगे डिवाइड करके संपूर्ण कोशिका में फैल जाता है, ओव्यूल में फैल जाता है, उसके बाद सेल प्लेट का निर्माण होता है, सेल प्लेट का निर्माण होने के बाद न्यूक्लियर इंडोस्पर्म बनता है और यहाँ पर सेलुलर इंडोस्पर्म है, दोनों इंडोस्पर्म का कॉमन है, मध्यम इंडोस्पर्म है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं हम लोग कि हेलोवियल इंडोस्पर्म, मध्यम टाइप का इंडोस्पर्म, मोनोकॉट में पाया जाता है। मोनोकॉट का एक ऑर्डर है यानी कि हेलोबियट ऑर्डर आता है उसी में, उसी का यह उस सिर्फ मोनोकॉट के उसी ऑर्डर में यह पाया जाता है, सभी मोनोकॉट्स में भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये रहा है आपका इंडोस्पर्म का विकास और इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सेकेंड वाला पार्ट, इसका डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम डिप्लॉयड जायगोट। अगले वाले पार्ट में हम इम्ब्रियो का विकास पढ़ेंगे, जायगोट से इम्ब्रियो कैसे बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत भी होगा आप लोगों को तो आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा, जो भी बताए हैं पढ़ लीजिएगा, दिक्कत होगा पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।